चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ द शेप्स के बारे में पढ़ेंगे एंड उसके लिए हमें उनके फॉर्मूले जाने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के क्या होता है, इसके फॉर्मूलेज क्या होते हैं, इनको देखेंगे हम इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखिए क्यूबॉइड। क्यूबॉइड एक सॉलिड फिगर है, थ्री डायमेंशनल फिगर है और जो सिक्स रेक्टेंगुलर फेसेस से मिलकर बनी हुई है। इसमें जो भी हमारे शेप्स हैं या हम जो भी बात करें फेसेस हैं, जैसे हम अगर बेस देखें तो ये हमारा रेक्टेंगुलर शेप हो गया। सेम फ्रंट पार्ट रेक्टेंगुलर शेप, और इसके टोटल कितने फेसेस होते हैं इसमें, सिक्स। आप अपने रूम का एग्जांपल भी ले सकते हो, फोर वॉल्स वन टॉप एंड वन फ्लोर, टोटल कितने फेसेस हो गए, सिक्स फेसेस। तो जो हमारा क्यूबॉइड का बेस्ट एग्जांपल हम बोल सकते हैं, दैट इज़ द रूम। वो रूम हमारा क्यूबॉइड का बेस्ट एग्जांपल है। अब इसमें कुछ इसकी डायमेंशंस होती हैं, जैसे लेंथ। लेंथ को मान लेते हैं कि डिनोट कर लेते हैं एल से। सेकंड ब्रेथ, बी आर ई ए डी टी एच, ब्रेथ को डिनोट कर लेते हैं बी से। एंड द लास्ट वन इज हाइट, और हाइट को डिनोट कर लेते हैं एच से। तो ये हमारा डायग्राम में भी लिख देते हैं एल, दिस इज बी, या आप इधर भी बना सकते हो दूसरी तरफ भी, दिस इज बी एंड ये हो गया आपके पास हाइट एच। ठीक है, ये हमने डायमेंशंस लिख लिए हैं इनकी, एल बी एच। उसके बाद इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, नंबर वन आप टोटल सरफेस एरिया, एंड टोटल सरफेस एरिया को किससे डिनोट करते हैं, टी एस से हमने लिख दिया टोटल सरफेस एरिया शॉर्ट फॉर्म में। इसका फॉर्मूला होता है टू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, टोटल सरफेस एरिया। एंड उससे पहले लेटरल सरफेस एरिया, एल ए टी ई आर ए एल, लेटरल सरफेस एरिया, एस यू आर एफ ए सी ई, सरफेस एरिया। देखिए हमें केवल फार्मूला लर्न हो ये से काम नहीं चलेगा, हमें ये समझना भी होगा कि वो हमारे पास फार्मूला कैसे आया है। फॉर एग्जांपल अगर हम केवल लेटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं, पहले हम लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं कि क्या होता है पहले ये देखेंगे, फिर कैसे निकालते हैं एंड उसके बाद इसका फॉर्मूला क्या होगा आपके पास लास्ट में। सबसे बेस्ट एग्जांपल लेटरल सरफेस एरिया की हम बात करते हो आपका रूम एंड उसकी फोर वॉल्स। अगर हमें फोर वॉल्स का एरिया निकालना है, दैट मींस यू आर फाइंडिंग द लेटरल सरफेस एरिया। अगर आप फोर वॉल्स का एरिया निकाल रहे हो तो मतलब आप लेटरल सरफेस एरिया निकाल रहे हो। तो जो आपके सामने दीवार है, जस्ट सपोज जो आपके सामने दीवार है आप देख भी सकते हो, उस पर एक हाइट है, एंड अगर अपने सामने वाले को आप लेंथ मानते हो तो आपके उसका सामने जो आपका शेप है वो क्या हो गया, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का शेप बना देते हैं हम, ओके ये हो गया आपके सामने की दीवार, हमने ये मान लिया ना। तो इस रेक्टेंगल में एक आपके पास हाइट होगी, ये हमने लिखा हाइट, एंड एक आपके पास क्या होगा, दूसरा लेंथ। तो इसका एरिया कितना होगा, रेक्टेंगल का एरिया पता है आपको, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया आपके पास एल एच, हो गया। सिमिलरली ये आपके सामने दीवार है तो जितना इसका एरिया है उतना ही जो आपके बैक में दीवार होगी, जो वॉल होगी उसका भी उतना ही एरिया होगा। तो उन टू वॉल्स का एरिया कितना हो गया आपके पास, एल एच, एल एच मीन्स टू एल एच, ये हो गया टू वॉल्स का एरिया, जो एक आपके सामने है और एक आपके जस्ट पीछे है, तो ये कर लिया। लेकिन अगर हम करें कि फिर हमारे साइड में जो दीवार है उसका क्या होगा, तो हाइट तो चेंज नहीं होने वाली, आप अपना रूम देख सकते हो, उसका हाइट तो चेंज नहीं होने वाला, वो एच ही रहेगा। लेकिन अगर आपने सामने वाले को लेंथ माना है तो उसके जो साइड में होगा उसको जो आपके अपने साइड में कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, ब्रेथ, और आप उससे डिनोट किससे करोगे, बी से। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, बी इंटू एच। सेम आपके दोनों तरफ दीवार है तो दूसरी का भी इस एरिया सेम होगा, बी एच। तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ बी एच। आपने चारों वॉल्स का एरिया निकाल लिया, दो का आया टू बी एच एंड अनदर टू का आया टू एल एच। तो लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, या आप बोलें कि सरफेस एरिया ऑफ फोर वॉल्स, सरफेस एरिया ऑफ फोर वॉल्स कितना आया आपके पास, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, टू बी एच प्लस टू एल एच, कॉमन क्या निकलेगा इसमें से, इसमें से कॉमन हो गया टू एच,
और आपके पास क्या बचा, बी प्लस एल लिखिए या एल प्लस बी लिखिए, एक ही बात है ना, आप या तो एल प्लस बी लिखिए इसको, बी प्लस एल लिखिए। तो ये आया है आपके पास सरफेस एरिया ऑफ फोर वॉल्स, और इसी को बोलते हैं हम क्यूबॉइड के केस में क्या, लेटरल सरफेस एरिया। इट इज़ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना हो गया, 2H L+B। तो ये क्या है हमारे पास, फोर वॉल्स का एरिया। ठीक है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में पहले टी एस से भी निकालेंगे, लेकिन उससे पहले एक केस और देख लेते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि नहीं आपको तो 5 का एरिया निकालना है, मीन्स आपको एक एक्वेरियम का शेप दे दिया है ना, एक्वेरियम बोल दिया, ऑफ कोर्स दैट विल बी ओपन फ्रॉम द अपर साइड, तो उसमें आपके पास फोर वॉल्स होंगी एंड एक बेस होगा, तो उसका एरिया निकालना है, तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, फोर वॉल्स के लिए आपने क्या निकाला है, 2H L+B, 2H L+B, और आपका जो बेस है ना एक्वेरियम का, वो भी किस शेप का होगा, या तो रेक्टेंगल या स्क्वायर, आप जो भी बोलना चाहो उसको। ठीक है, हमने क्यूबॉइड शेप लिया तो ऑफकोर्स दैट विल बी रेक्टेंगल। तो उसमें से आप अगेन अपने वॉल का, अपने रूम का एग्जाम्पल ले सकते हो। तो ये हो गया आपके रूम का एग्जाम्पल। तो इसमें से हमने एक को लेंथ माना है, एक को ब्रेथ माना है। ठीक है, जो फ्लोर की बात कर रहे हैं, फ्लोर पे तो हाइट नहीं है ना, एक तरफ लेंथ कर लिया, एक तरफ ब्रेथ कर लिया, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन रेक्टेंगल के केस में। तो जो फोर वॉल्स हैं उसमें अगर हम एल प्लस बी कर दें, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा किसका, फाइव पार्ट्स का आपके, फाइव सरफेसेस का आपके रूम का, आपके रूम के फाइव सरफेसेस का एरिया हो गया 2H L+B एंड LP। देखिए, ये फोर वॉल्स प्लस आप बेस भी बोल सकते हो उसके, या फ्लोर टॉप भी बोल सकते हो, आप फ्लोर भी बोल सकते हो, टॉप भी। क्यों, देखिए जितना फ्लोर का एरिया है सेम क्यूबर्ड के शेप में, इतना ही आप अगर आप अपने रूम में दोबारा ऊपर देखिए, दोनों का एरिया आपको सेम दिखेगा, है ना, मैक्सिमम केसेस में तो सेम ही होगा, किसी ने डिफरेंट बना रखा होगा तो अलग बात है, तो सेम एरिया होगा। तो ये हम ये कह सकते हैं कि फोर वॉल्स एंड कोई भी एक टॉप या बेस, तो उसका एरिया का फॉर्मूला हमारे पास हो गया 2H L+B प्लस में LB। अगर आप फॉर्मूलेज लर्न करने का कोशिश करोगे तो हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं और आपको कन्फ्यूजन रहेगा, लेकिन अगर आप समझने का कोशिश करोगे तो बहुत ईजी है सारे फॉर्मूलेज, आपको एक भी लर्न रखने का कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, ये हो गया हमारे पास फाइव का। अगर अब आपको सिक्स का निकालने के लिए बोल दिया जाए, आपको बोला जाए कि हमें तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है, जो हमारे पास फोर वॉल्स एक फ्लोर एक टॉप, उसका एरिया निकालना है। तो देखिए, अब भी हमने क्या कहा इस क्वेश्चन में कि ये है हमारे पास फोर वॉल्स का प्लस बेस का, तो हम टॉप भी ऐड कर देते हैं क्योंकि टॉप भी तो बेस के बराबर ही होगा। तो क्या हो गया, 2H L+B एंड LB है, तो एक बार और LB ऐड कर लिया, है ना, ये एक्सपेंड कर लेते हैं अपना 2H। क्यों, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला जो बनेगा ये पूरा हमने लिखा, तो इसमें से बस एक ही चीज़ कॉमन आती है और वो क्या है, 2। तो आपके पास क्या बना, HL+HB+LB, और आपको इसको रीअरेंज करके लिखोगे तो आप क्या लिखते हो, LB+BH+HL, वो ये ही तो है। तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबर्ड, एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबर्ड मीन्स फोर वॉल्स क्यूबर्ड में, टोटल सिक्स रेक्टेंगुलर फेसेज हमने स्टार्ट में बात किया था, तो फोर वॉल्स एक टॉप एक फ्लोर, कितना एरिया हो गया, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया टोटल सरफेस एरिया का। ठीक है, तो हमने तीन पार्ट्स किए अभी तक, कौन कौन सी, सबसे पहले हमने किया था ये सरफेस एरिया ऑफ फोर वॉल्स, या इसको जिसको बोला था हमने लेटरल सरफेस एरिया। उसके बाद हमने नेक्स्ट किया फाइव के लिए, फाइव का क्या होगा, सरफेस एरिया फोर वॉल्स प्लस एक आप बेस बोलिए, टॉप बोलिए, कोई भी बोलिए, ये आपका हो गया फाइव के लिए। एंड नेक्स्ट में किया हमने सिक्स के लिए, सिक्स के लिए मतलब टोटल सरफेस एरिया, दिस इज द फॉर्मूला फॉर। अब देखिए, आपने हमने स्टार्टिंग में लिखा था टोटल सरफेस एरिया, यू कैन कंपेयर, आप इनको कंपेयर भी कर सकते हो, जो हमने टोटल सरफेस एरिया लिखा है और फाइंड आउट किया है, दोनों सेम है हमारे पास, है ना। ओके, इसके बाद वॉल्यूम, क्या हम वॉल्यूम भी ऐसे ही निकाल सकते हैं, तो एक बार ट्राई करते हैं। ये देखिए, इस ये रहा आपका क्या, क्यूबॉइड, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो जब आपको वॉल्यूम निकालना हो तो आपको क्या करना है, बेस का, देखिए हम एरिया निकाल रहे थे तो डिफरेंट डिफरेंट सभी शेप्स का हमने एरिया निकाला,
लेकिन जब हम वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होगा, जितनी भी हमारे शेप्स आप किसी के लिए भी निकाल सकते हो, एक स्फीयर हेमिस्फीयर को छोड़ के जितने भी हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग आप देखिए, ऐसे हमारे पास क्यूब का निकल जाएगा, सिलेंडर का निकल जाएगा, तो ऐसे निकल जाएंगे हमारे पास बाकी वॉल्यूम्स भी, ठीक है। तो वॉल्यूम को फॉर्मूला निकालना है हमें, इसका कैसे करेंगे, तो बेस का एरिया, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो आपका रूम, क्योंकि क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं, उसका बेस देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, जो कि हम ऑलरेडी बना चुके हैं, अगर आप देखना चाहो तो हमने बनाया था, बेस कहाँ पे है हमारा, ओके एल बी लिखा था, हम दोबारा भी एक बार फॉर्म कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं उसमें, ठीक है। तो ये मैं बना लेता हूँ, ये आपके रूम का बेस हो गया, फ्लोर जिसको आप बोल रहे हो ना। तो इसमें एक एल है, एक बी है, एक लेंथ है और एक ब्रेड्थ है, तो उसका एरिया क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन एल इंटू बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और इंटू में बोला हमने हाइट करना है, तो ये आ गया आपके पास वॉल्यूम का फॉर्मूला, एल बी एच, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉयड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो एक आपका रूम, उसमें देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, आपके पास सारे फॉर्मूलेज आ जाएंगे, ठीक है। तो सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, एंड एक चीज़ और देखिए, हमने अभी बोला कि लेटरल सरफेस एरिया, एंड इसी को हम लेटरल सरफेस एरिया, अगर आपको ऐसा शेप दे रखा हो जिसमें कर्व हो, मतलब या तो हम सिलेंडर की बात करें, ओके, या तो आप सिलेंडर देख लीजिए, सिलेंडर में कर्व होता है ना, या फिर आप स्फीयर की बात करें, तो उन केसेस में उसी को हम कर्व्ड सरफेस एरिया बोल देते हैं, उन केसेस में हम उसी को क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें कर्व होता है, इधर फेस है, फ्लैट है, तो लेटरल सरफेस एरिया, अगर हम फोर वॉल्स की बात कर रहे हो। अभी ये तो हमारे फाइंड आउट हो गए, इसमें हमारे पास एक फॉर्मूला और बचता है लास्ट, एंड दैट इज द डायगनल, डायगनल ऑफ क्यूबॉइड कितना होगा। तो डायगनल ऑफ क्यूबॉइड मतलब आपके अपोजिट कॉर्नर्स वॉल के, वॉल के नहीं, रूम के, रूम का एक कॉर्नर देखिए एंड उसके जस्ट अपोजिट में दूसरा कॉर्नर। तो आप डायग्राम में भी देख के एक बार सोच के देख सकते हो कि हम किन कॉर्नर्स की बात कर रहे हैं। तो अगर आपको ये निकालने हैं, इसका फॉर्मूला होता है डायगनल का, एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। क्या फॉर्मूला होता है, एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। अगेन क्या इसे हमें फॉर्मूले से, जिससे हम निकाल रहे थे अभी हमने बाकी किया, ये भी निकाल सकते हैं, हाँ आप निकाल सकते हो, ये आप ट्राई करके देखोगे एक बार, है ना, कि हम कैसे निकालते हैं डायगनल का, क्या डायगनल क्यूबॉइड का, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इट इज अ डायगनल ऑफ क्यूबॉइड, डी आई ए जी ओ एन ए एल, डायगनल ऑफ क्यूबॉइड अंडर रूट एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। तो जितने भी फॉर्मूले हैं एक बार जल्दी से देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी लर्न भी हो जाना चाहिए, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, टू एच एल प्लस बी, और ये पता होना चाहिए कैसे निकाले हैं, एंड फाइव का निकालना है, तो लेटरल में हमने एल प्लस बी ऐड कर दिया, ठीक है, लेटरल में हमने एल प्लस बी ऐड कर दिया, एंड अगर हमें सिक्स का निकालना है तो एक बार और एल प्लस बी ऐड कर दिया, तो सिक्स का निकाला इट इज टोटल सरफेस एरिया। उसके बाद हमने वॉल्यूम फाइंड आउट किया है, एंड वॉल्यूम क्या है, एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट, दैट इज एल इंटू बी इंटू एच, एंड लास्ट में हमने लिखा है डायगनल ऑफ क्यूबर्ड, एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। थैंक यू।